दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। चलिए, आपको दिखाने वाले वीडियो पाकिस्तान की हैं, जो पाकिस्तान की पब्लिक बोलती है ना तो ईरान हमसे दोस्ती करना चाहता है, ना तो इंडिया, ना तो अफगानिस्तान दोस्ती करना चाहता है हमसे। अफगानिस्तान के जो लोग हैं बॉर्डर पर रोज रोज हमले करते हैं, और इंडिया जो है उसने तो है अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। बेचारा तनहा पाकिस्तान, करे तो क्या करे, ये वहाँ की पब्लिक मीडिया बोलती है, पाकिस्तान की पब्लिक बोलती है कि इंडिया जो है कभी भी जो है पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए, आपको दिखाने वाले हैं कि अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान पब्लिक क्या बोलती है, और इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है उसके बारे में क्या बोलती है। तो आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। ना ईरान हमसे दोस्ती करने के लिए राजी है, ना अफगानिस्तान, ना ही इंडिया। ईरान ने दो मिसाइल हमले किए, अफगानिस्तान बॉर्डर पे रोज रोज हमले करता है, और इंडिया ने तो बॉर्डर ही बंद किया है। बेचारा तनहा पाकिस्तान, करे तो क्या करे। पाकिस्तान ने क्या करना है, जब तक ये जिस कंट्री के साथ भी इनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तो यही होगा। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हर इंडिया जो है पाकिस्तान को कभी भी यानी डाइजेस्ट तो नहीं करेगा ना, पाकिस्तान को एक्सेप्ट तो नहीं करेगा कि पाकिस्तान उससे अलग हुआ हुआ है। ठीक है, वो तो अपनी यानी कार निकालने की कोशिश तो करेगा कहीं ना कहीं। दोस्तों, इस वक्त बड़ी अच्छी बात ये है इस प्रोग्राम की कि हमें अफगान बच्चों ने भी ज्वाइन किया है। उनसे कुछ मासूमाना सवाल करेंगे और इनके रिएक्शन जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रहीमुल्ला है। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम रबानी। आपका क्या नाम है? इहसानुल्ला। इहसानुल्ला, कितने टाइम से पाकिस्तान में हो? यार 30-25 साल हो गया इधर। आपकी फैमिली? हम इधर की हैं। इधर पाकिस्तान, इधर नियाजीटे पे रहते हैं हम लोग। आप कितने? वो भी इधर ही है। अच्छा, मतलब अफगान फैमिली है, पाकिस्तान में ही पैदा हुए। जब अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर निकाला गया, उस वक्त आपके बीच क्या बातें होती थी? हमारे बीच तो हम क्या करें, वो दोनों ममालिक के कभी बात पे झगड़ा आता है, कभी बात पे दर्द आता है, तो वो हम पे कसूर सारे निकालता है। हम क्या करता है, तो हमारा मुल्क आबाद हो गया है। पाकिस्तान इस जगह से बोला था कि तुम अपना मुल्क जाओ। हम 40-30 साल हो गया इधर, कहीं कार्ड सुना था, कार्ड नहीं मिला, कहीं कार्ड भी नहीं मिला। वो चाहे था कि हमको एक कार्ड मिल जाए या कोई। 40 साल हो गए पाकिस्तान में रहते हो, अभी तक कोई नेशनैलिटी नहीं मिली? कोई कार्ड नहीं मिले। कई मुल्क में जाएगा वो तुम अपना कार्ड देता है कि इधर रहने का कार्ड देता है, इसने कोई कार्ड नहीं दिया। तो ऐसा क्या क्या करें हम इधर। ईरान के साथ ये मुश्किल है, तुसी जाके कूड़ा चुको साडे। नहीं, मुझे सही बात बताओ, सही बात बताओ ईरान के, तुम्हारे साथ क्या मुश्किल है? असी में मजदूरी कर ले, तेरी क्या मुश्किल है? अफगानिस्तान पे बेच दिया, आप किधर से आ रहे हैं? अभी कौन दहशत गर्दी कर रहा है? तुम्हारा किधर सोया हुआ है? किधर से आ रहा है? सारा सारा बॉर्डर बंद है, सारा जगह बंद है, किधर से आ रहा है? दहशत गर्दी कौन कर रहा है? वो बोला दियाला जेल उड़ा देना, दियाला जेल किधर उड़ा देता था? इधर कुर्बानी किसी ने? लड़ना नहीं है, एक मिनट लड़ना नहीं है। आप अपनी बात कर सकते हो। हम बोलेगा अभी तो अफगानी को निकाल दिया, अभी बॉर्डर बंद है, सब कुछ बंद है, अभी दहशतगर्दी कौन कर रहा है? दियाला जेल में हमले हुआ है 2-3 हफ्ते पहले, ये दहशतगर्दी अभी कौन कर रहा है? आप ये अफगानिस्तान से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, तुम उस तरफ नहीं रुकेगा। वो दियाला जेल पहुंच गया, तुमने पकड़ लिया सारा रास्ता, वो इस तरह आ रहा है, इधर पहुंच गया, तुमने पकड़ लिया। अजीब बात कर रहा है। उस बंदे को ये बात बताओ कि वो बंदा सोच भी ना लावे, वो सारा अफगानिस्तान से दूसरे मुल्क पहुँच गया, वो दियाला जेल पहुँच गया, तुमने उसको इस तरह पकड़ लिया, ये अजीब बात है। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो अडियाला जेल के बाहर से जो दहशत गर्द बरामद हुई वो उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इनका कहना ये कि जब बॉर्डर बंद हो गए, जब बॉर्डर बंद हो गए तो वो कहाँ है। लेकिन मेरा सवाल ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ क्यों बिगड़े हैं? इधर आ जाओ बेटा। ये जो है ना, ये अमरीके का बात मान रहे हैं। अच्छा, हमारा मुल्क आबाद हो गया, हमारा मुल्क सही हो गया, या अभी अमरीके का बात मान रहे हैं? अमरीका मियाँ साहब को बोला ये करो वो करो, इसको भेजो, मल खराब है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमारा मल खराब नहीं होगा, और
बेदार हो गया और बराबर हो गया, हम लोग ख़त्म नहीं हो जाएगा। तुम ये सोच नहीं ला कि मियाँ साहब को बोलो इसको भगाओ, मन ख़राब हो इसको ये बोलो, ये कभी भी नहीं कहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुलौते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, अच्छा पाकिस्तान के हालात की बात करें या अफगानिस्तान के हालात की बात करें, तो दोनों जानिब आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज़्यादा बेहतर है, तरक्की कर रहे हैं? अफगानिस्तान अभी तरक्की बहुत कर रहा है। ठीक है, बहुत जी। उसने चीन के साथ भी लेन देन अच्छा किया, वो बस पाकिस्तान से ताल्लुक खत्म करता है और वो मुल्कों से वो अच्छा बस। जब ऑर्डर आया कि अफगानी यहाँ से चले जाए तो आपको भी कहा गया? हम जाएगा अपना मुल्क जाएगा, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन बाद जाएगा, हम जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क है, अपने मुल्क में हम जाएगा, अपने मुल्क से हम इंकार नहीं करना। पाकिस्तान अपना मुल्क समझता, लेकिन आज ये देखो हम इधर पैदा हुआ है, हम अभी तक अफगानिस्तान को देखा भी नहीं, हम इधर पैदा हुआ 40 साल से हमारा अबू इधर है, हमारा पूरा पैदाइश इधर है। ना तुमने दिखा दिया, ना तुमने कुछ दिया, एक दूसरे मुल्क चले जाओ, एक साल लगाओ तुमको वो अपने मुल्क से दिखा देगा। हम 40 साल से इधर ही है, कोई आईडी कार्ड नहीं है, कोई अधिकार नहीं दिया, तो स्कूल भी दाखिल नहीं हुए, नहीं दिया। बर्तानिया ने कहा दिया, पाकिस्तान का बर्तानिया ने दिया, 3 साल था वो खत्म हो गया, अभी स्प्लेयर हो गया। वो फिर बोलेगा हम कार्ड देगा, कार्ड नहीं देगा, वो भी बताने नहीं दिए, इसने नहीं दिया। ये सब अमरीके का गुलामी कर रहा है, अमरीके को अमरीके इसको बोला ये करो वो करो, ये सब अमरीके का काम है। आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती हो पाएगी जैसे अफगानियों की इंडिया के साथ है? दोस्ती हो जाएगा, लेकिन ये अमरीके का गुलामी छोड़ेगा, गुलामी छोड़ेगा, इस तरह दोस्ती हो जाएगा। अमरीका हमारा दुश्मन है, ये अमेरिका के बात सुनता ये भी हमारा दुश्मन बनता, लेकिन ये हमारा भाई है, दोनों भाई है, हमारा रिश्ता भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अमेरिका का बात सुनता हमारा गदार बनता, ये हक नहीं है आपका। अब उसको बोला गुलामी हम सिलूटी ना, ये क्या बात है आप गुलामी करना है? तो अफगानियों को ज्यादा गुस्सा इस बात का है, अफगानियों को ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि पाकिस्तान अमेरिका की बात मानता है, अमेरिका की बात मानता है, अमेरिका इसको बोलता है इसको गिफ्ट करो, इसको ये करो, इसको ये करो, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा जो देख रहे हैं कोई अच्छा पैगाम देखने वालों के लिए? पैगाम ये अफगानिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में रहके पाकिस्तान भी जिंदाबाद। आप क्या कहोगे जो आपको देख रहे हैं कोई अच्छा पैगाम? दोनों जिंदाबाद। लेकिन जब आपने तकरीबन 40 साल उनकी आवाम को यहाँ पे रखा है, 40 साल के बाद आप उनको एकदम कहते हैं कि भाई आप निकलो यहाँ से, सही हो गया। नेशनलिटी के लिए मैक्सिमम हम कंट्री में जाएं तो वो 5 से 10 साल का टाइम देते हैं, सही है, वो नेशनलिटी दे देते हैं। ये 40 साल यहाँ पे रह के भी इनको तस्लीम नहीं कर रहे, क्यों? सही बात है। हाँ। देखें जितना भी यहाँ पे अभी जो 40 साल का बच्चा यहाँ पे बड़ा हो गया, 40 साल एक मेच्योर उम्र है, वहाँ पे उनकी शादियाँ हो गई, यहाँ से ही वो ठीक है, अफगान के अफगान में ही शादियाँ हुई हैं, कई पाकिस्तानियों के साथ भी की हैं, लेकिन बात ये है कि जो बच्चे यहाँ पैदा हो गए उनको पता ही नहीं है कि अफगानिस्तान है क्या, सिर्फ नाम ही का है, नाम ही सुना है कि अफगानिस्तान है, लेकिन वो यहाँ पे ही पढ़े, बड़े स्कूल पढ़े, कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, और कारोबार के लिहाज से देखें तो अफगानी पाकिस्तानियों से ज़्यादा आगे हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनमें, लेकिन कारोबार जितना अफगानी कर सकता है उतना पाकिस्तानी नहीं कर सकता। सही हो गया। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें जितना एक आम पाकिस्तानी इन्वेस्ट करता है उससे वो कम मार्जिन कर इन्वेस्ट करता है, लेकिन कारोबार उनका बड़ा जबरदस्त चल रहा होता है, पाकिस्तान का नहीं चलता। ठीक हो गया। तो सर क्या आपको लगता है कि ये वजह जो हमने 17 लाख अफगानियों को अब 2 महीने के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का कहा, अचानक से कह दिया, आपको लगता है कि तालिबान के अंदर वो गुस्सा है जिसकी वजह से वो बार बार पाक आर्मी पे हमले करती है, ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानती, अटक तक का एरिया कहता है हमारा है, और बार बार तालिबान कहता है 1971 याद है ना बांग्लादेश बना है, 1971 याद है ना आपको? बिल्कुल 1971 वो बांग्लादेश पाकिस्तान वो इंडिया, ये तो तीनों आपस में एक, जैसे हम इंडिया से आज़ाद हुए हैं, बांग्लादेश हमसे आज़ाद हो गया, इसी तरह भी आप कश्मीर पे बात कर रहे थे, कश्मीर भी अलग एक स्टेट बनेगा क्योंकि ना वो इंडिया के साथ रहना चाहता है ना वो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो जब भी अगर वो आज़ाद हो भी गया ना तो वो हमारे साथ नहीं रहेगा। सर अब तो उन्होंने अपने आप को इंडियन ही तस्लीम कर लिया है ना, जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है, जिस तरह उसकी इकोनॉमी बेहतर है, कश्मीरी तो अब खुद को इंडियंस ही कहते हैं। बिल्कुल यही, वो इंडियन ही अगर हमारे पाकिस्तान से बात करें तो वो इंडिया को तस्लीम करते हैं, अगर इंडिया वाले उनको कहें तो वो कहते हैं नहीं हम पाकिस्तान, वो एक मिडल
इशू बना रहे हैं कि भाई हमें सपोर्ट दोनों तरफ से मिलनी चाहिए। हमने अफगानिस्तानियों को इधर रखा है, अच्छा 40 साल पूरे इधर रहे हैं, अच्छा। इधर से इसी मिट्टी से खाया उन्होंने, अच्छा। पाकिस्तान की मिट्टी पे 40 साल कारोबार किया है, अच्छा। शालमी में कितना कितना बड़ा ताजर बैठा हुआ है अफगानिस्तान का, अच्छा। यहाँ पे कमाते रहे, हाँ। ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी, उन्होंने निकलवा दिया उनको, हाँ। 2 माह का टाइम दिया, लेकिन टाइम गलत दिया है, टाइम थोड़ा अनलिमिटेड होना चाहिए था, 2-4 माह ज्यादा होने चाहिए थे, अच्छा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अफगानिस्तान हम पर अटैक नहीं कर सकता था, ये अटैक करवाया गया, ये साजिश है हमारे मुल्क के साथ, अच्छा। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला जिसने ये साजिश की है और अल्लाह के हुक्म से वो साजिश में जल्दी से जल्दी लपेट में आएगा और इंशाअल्लाह पता चलेगा उसको, अच्छा। कि ये साजिश क्यों की है और किस लिए की है। सर यहाँ पे आपने इंडिया की बात की, इंडिया ने कहा था कि अमेरिका को हवाई अड्डे दो, अफगानियों को अपना दुश्मन बनाओ, इंडिया ने कहा था कि अफगान तालिबान को जो है ट्रेनिंग दो, तालिबान को जन्म देने वाले कौन है, हम लोग ही हैं। लेकिन हम अपनी शुरू से ही ऐसा होता है कि जब हमारे हालात खराब होते हैं या काबू से बाहर हो जाते हैं तो हम सारा का सारा मुद्दा जो है इंडिया पे डाल देते हैं, हमारा खुद का कोई कसूर नहीं, हम इतने इनोसेंट हैं। मेरी बात सुने, इंडिया पे मुद्दा इसलिए डालते हैं कि हम लोग मांगते हैं कश्मीर, अच्छा। हमने 2-3 जंगें लड़ी कश्मीर के लिए, बिल्कुल, और इंडिया से हमने क्या लेना है, सही, कश्मीर ही लेना है ना, अच्छा, फिर? लड़ाई हमारी कश्मीर की है, अच्छा। इंडिया को ये मुसीबत है कि जब बात करते हैं कश्मीर की करते हैं, हाँ जी, हम कश्मीर मांगते हैं। इस वजह से इस मर्तबा मैच में आपने देखा कि हिंदुस्तान का झंडा बनाया वो अफगानियों ने, हाँ जी, तो क्यों ना बनाए, इंडिया अफगानिस्तान को पैसा दे रहा है, उधर स्कूल बना रहे, रोड बना रहे, डैम्स बना रहे, उनकी पार्लियामेंट बना रहे, तो जिस जो मुल्क आपको फायदा देगा तो आप तो उसकी जे जे करोगे ना। मेरी बात सुने, जे जे कितनी देर करेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 साल 4 साल बाद में अफगानिस्तान ने इस मुल्क में आना है कारोबार के लिए, आखिर ये बात चलनी है ना, अच्छा। अफगानिस्तान के इधर बिजनेस है, एक नहीं हजारों अफगानी तो थे, निकाला तो हमने ना, वो तो अब तो आपको पता 90,000 से ज्यादा जो पाकिस्तानी है वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, वहाँ का करेंसी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, अब तो रिवर्स हो रहा है। तो मेरी बात सुने, क्या लफर्स हो जाएगा, हाँ। हम कश्मीर की बात करें तो हम बुरे हैं, हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान को यहाँ से निकालना है, हाँ। दहशत गर्दी हो रही थी, अच्छा। कोई पता नहीं अफगानिस्तान ने करवाई कि नहीं करवाई, लेकिन हमारे मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी इनको निकाल दें, अच्छा। 2 माह का टाइम दे दिया, निकाल दिया, कोई इशू नहीं है, उनके साथ बात हो सकती बैठ के टेबल टॉक पे, टेबल निकालने से पहले आप बात कर लेते, बात कर लेते, ये जरूरी नहीं 2 माह का टाइम दे निकल जाओ, ये कोई तरीका कार नहीं है। मानते कि गलती की है, गलती की है हमारी हुकूमत ने, गलती की है, लेकिन इसका खमियाजा ये नहीं कि हमारी फौज को टारगेट करें, सही हो गया। हमारी फौज को टारगेट करने वाला इंशाल्लाह जो हमारी फौज का दुश्मन है वो हमारे पूरे पाकिस्तान का दुश्मन है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसको छोड़ेंगे नहीं, और हमारी वाम हमारा दिल पाकिस्तान फौज के साथ है, और इंशाल्लाह ताला उसको बताएंगे, अफगानिस्तान को भी बता देंगे, अगर इंडिया के साथ लग के कोई ज्यादती करना चाहता है या अमेरिका के साथ लग के करना चाहता है तो उसको बता देंगे कि हम कौन है इंशाल्लाह, अच्छा। लेकिन सर यहाँ पे ये बताया कि अफगानिस्तान और आपने इंडिया की बात की, अफगानिस्तान के लोग इंडिया से तो बहुत प्यार करते हैं, इंडिया उनके डिप्लोमेट्स को भी ट्रेन कर रहा है, अफगानिस्तान तालिबान ने कहा इंडिया से हमारी आर्मी भी ट्रेन करो, हालांकि इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन एक इस्लामिक कंट्री एक सेकुलर कंट्री का बॉन्ड बड़ा मजबूत हो गया, लेकिन दोनों तरफ इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन हमारी ना ईरान से बनती है, ईरान ने 2 मिसाइल ठोके हम पे, ना हमारी इंडिया से बन रही है ना अफगानिस्तान से, तीनों वो गलत है, हम सही हैं। ईरान ने हमारे ऊपर जो मिसाइल ठोके हैं, हाँ जी, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि हमारे ऊपर पाकिस्तानियों के साथ तो कोई खास नफरत करवा रहा है, अच्छा, या कर रहा है, अच्छा, ठीक पाकिस्तानियों है, के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, अच्छा, ये और मुल्क में क्यों नहीं ऐसा, तो यही तो बात है, गलती कहीं ना कहीं सर हमारी होगी, हमारी गलती यही है ना, हम मुतालबा करते हैं कश्मीर दे दो, अच्छा, हमने अफगानिस्तानियों को निकाल दिया, अच्छा, हमारी ये गलती है, लेकिन सर लड़ना तो किसी बात का हल नहीं है ना, हम अपने पड़ोसी इंडिया हो या अफगानिस्तान हो इनसे दोस्ती की बात क्यों नहीं करते, जंग जंग में तो इंडिया भी बहुत बड़ा है, अफगानिस्तान के पास भी अमेरिका इतने हथियार छोड़ के गया है। मेरी बात सुने, जंग बदला खून का बदला खून ही होता है, अच्छा, ये टॉपिक बैठ के बात हो सकती है, जो भी बात हो सकती है, ये नहीं बात होती के अटैक करना पाकिस्तानों पे जुल्म करना ये अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, हाँ जी, जो भी बात होगी टॉपिक बैठ पे बात होगी, ये जो बात कर रहे हैं कि हम फायर करेंगे या कोई करेंगे अपना फायरिंग वगैरह,
ऐसे नहीं होगी हो रही है। दो दिनों से ड्यूरेंट लाइन पे अफगान तालिबान और पाक आर्मी के बीच झड़पें जारी हैं। पाक आर्मी के साथ हैं हम, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पाक आर्मी भी जीतेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, लेकिन ये गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे। तो जो हमने तालिबान के साथ किया वो ठीक था? तालिबान के साथ किया जो क्या किया बताएं, अपने मुल्क से सफाया कर दिया ये गलत किया? वो बात नहीं है, अफगान हमें क्यों दोस्त नहीं मानते, उनका ये कहना है कि आपने हवाई अड्डे क्यों दिए? आप कह रही हैं हवाई अड्डे किसको दिए हमने? अमेरिका को। अमेरिका को किधर दिए हैं? यहीं से तो ड्रोन उड़ते थे। मेरी सुने ड्रोन उड़ते थे, दहशतगर्दी अफगानिस्तान ने हमारे मुल्क में की। लेकिन कोई प्रूफ है? प्रूफ है। कैसे? जब अटैक हुआ था काबुल में हमारा आर्मी चीफ क्यों गया था? दहशतगर्द वहाँ से नहीं मिले थे? अच्छा मिल गए थे। ये आपको पता है इस चीज का? नहीं मुझे नहीं पता, आपको पता ये? हाँ, इधर आ जाए। हाँ, आर्मी चीफ गए थे और दहशतगर्द मिल गए थे? मिले थे। अच्छा फिर ये जो आप बात कह रही हैं हम गलत हैं आप? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, इंडिया के साथ हमारी नहीं बढ़ती, ईरान हम पे गुस्सा है, अफगानिस्तान हम पे गुस्सा है, इंडिया से हम कश्मीर मांग रहे हैं और तालिबान से क्या मांग रहे हैं? तालिबान से ये हमने उनका सफाया किया है, अब वो रो रहे हैं कि हमारा कारोबार बिजनेस ये वो सारा कुछ ठप करवा दिया है। हाँ। तो दो महीने में हमें निकाल दिया। आपको नहीं लगता कि हमें कोई लॉन्ग टर्म फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान को भी फायदा हो, हमारे पड़ोसियों के भी ताल्लुकात हमारे साथ बेहतर हो? मेरी बात सुने, फ्रेंडली पॉलिसी हम बनाने के लिए तैयार है, टेबल पे बात करें, इस तरीके से हम बात करेंगे। ये जो आप कह रही ना कि हम ही गलत हैं, पाकिस्तान सर जमीन पे हम खाना खा रहे हैं, अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं, उनके मतलब पाकिस्तान के मतलब मैं गलत बात नहीं तस्लीम करूंगा। नहीं, नहीं, करनी भी नहीं है, हम तो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि अगर तीन पड़ोसी हमारे खिलाफ हैं तो क्या गलती हमारी है? मेरा सवाल ये है, जो पड़ोसी है इंडिया ते अमेरिका ते अफगानिस्तान साढ़े ना क्यों नफरत कर रहे हैं, ईरान क्यों इस तरह कर रहा है? ये मुनाफकत लेके बैठे ने, इंडिया को असि कश्मीर मांगने हैं वो तार हो रहे ने, अफगानिस्तान का असि सफाया किया वो तार हो रहे ने, अफगानिस्तान नू साड़ी सर जमीन ते जे अगर बदतमीजी गर्दारी ना आना है तो असि नहीं आन दिया। नहीं, ये तो बात है, जिस मुल्क में जाओ उसका वफादार बन के जाओ और उसके रूल्स को भी फॉलो करो। हमारा जो मतलब रिलेशनशिप्स हैं अपने नेबर्स के साथ वो बेहतर होने चाहिए, अफगानिस्तान चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो कोई भी मुल्क हो, फिर ही यानी खित्ते में अमन रह सकता है और यानी कि एक अच्छी फिजा जो है मुल्क में कायम हो सकती है अगर हमारे अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो मेरा तो यही ख्याल है कि ये जो दोनों ममालिक हैं इनको मिल बैठ के कोई इसमें बात करनी चाहिए, मुफाहमत की कोई राह तैयार करनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा पड़ोसी इंडिया या अफगान दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया की चले बात करते हैं सर, 77 साल हो गए हमारे उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात क्यों कायम ना हो सके? अफगानिस्तान की बात कर लें, जब से तालिबान है वो भी हमारे दुश्मन हो गए, वजह क्या है? हर एक को पाकिस्तान में ही गलती क्यों नजर आती है? इस बारे में तो मैं इतने कोई खास मतलब अपनी राय नहीं दे सकूंगा। पॉलिटिकल शायद उनके इश्यूज हैं हमारे साथ हो सकते हैं या कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन ये देखा जा सकता है कि उन दोनों ममालिक ने काफी यानी कि तरक्की की है। अच्छा। टेक्नोलॉजी की फील्ड में, फिर इंडिया जो आप देख लें आईटी की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में हमसे बहुत ज्यादा आगे है, ऐसे ही है। हाँ। उसके अलावा जो उनके सब हमारे साथ क्राइसिस हैं वो तो है ही, ऑलरेडी चल ही रहे हैं। सर क्राइसिस क्या है, इन्हें बस कश्मीर चाहिए और इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं, बस हमें कश्मीर दे दो फिर हम दोनों भाई भाई। मैडम इनसे अपना पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा है, उन्हें कश्मीर क्या करना है? इंडिया जो है पाकिस्तान को कभी भी यानी डाइजेस्ट तो नहीं करेगा ना, पाकिस्तान को एक्सेप्ट तो नहीं करेगा कि पाकिस्तान उससे अलग हुआ हुआ है। ठीक है, वो तो अपनी यानी कार निकालने की कोशिश तो करेगा कहीं ना कहीं पे। तालिबान पाकिस्तान पे इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा इस वजह से है कि वो यार सही नहीं चल रहा है, कई रो बोल रहा है बॉर्डर बंद करो, कई बोल रहा है कि हम एक पाकिस्तानी के लिए सारा अफगानिस्तान तबाह करेगा, तो इस वजह से वो गुस्सा है कि वो ये सब बातें क्यों करता है। तुम ये बात है, इस वजह से वो उधर न उधर गुस्सा हो गया, पाकिस्तान हम पे सारा कसूर निकाल लिया, चाहो अफगानिस्तान इधर जेल पे बंद करो, टप टप के मारो, ये क्या बात है, ये कोई बात है? जो अफगानिस्तान के जो लोग इंडिया में रहते हैं वो तो वहाँ पर सुकून से रह रहे हैं, लेकिन जो अफगानी पाकिस्तान में रहते हैं इन बेचारों को इतने मसले क्यों हैं? इसके मसले ये है कि वो दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान अच्छी नहीं है, वो दोनों के मापे में इख्तलाफ है, अफगानिस्तान और इंडिया तो अच्छा है, वो उसका सही
चल रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों खिलाफ है इधर उसकी आवाम की, जिसकी वजह से आपको बिचारों को सख्ती निकलते है। तो हम क्या करें, हम तो अल्लाह को देख रहे हैं कि अल्लाह जो हमारा होएगा वो दे दो। अच्छा, आपकी उम्मीद बस अब अल्लाह ही है? हाँ, अल्लाह पे सबकी उम्मीद, हम कुछ नहीं कर सकते, हम गरीब लोग हैं, अपनी मजदूरी करता है, अपनी ख्वारी करता है। स्कूल जाते हो? हाँ, स्कूल जाते। किस क्लास में पढ़ते हो? फोर। फोर में पढ़ते? हाँ। अच्छा, आप अफगानियां दहशत गर्द लोग हैं? अच्छा, अफगानियां दहशत गर्द हैं? कटो बात, उन मासूम बच्चों ने क्या किया? दहशत गर्द हैं बच्चे, सीखते हैं ना, जुतियां मार के दो। नहीं नहीं सर, ये आप गलत, मैं गलत कर, इमरान खान डाकू चोर डकैत यूथी कुत्ता। नहीं नहीं नहीं, आपने आपने टेंशन नहीं लेनी दोस्तों, प्यार और मोहब्बत जो होता है ना वो सबसे बड़ी जीत होती है। इस तरह की अगर जो जैसे अंकल ने कहा, इस तरह की जब हेट मिलती है तो क्या कैसा महसूस होता है? तो फिर ये बात है, ऐसा होता है तो फिर मीडिया पे आएगा सारा, उधर अफगानिस्तान देख रहा है, वो बोल रहा है कि हमारे लोगों के साथ ऐसा होएगा तो खुद इख्तिलाफात आएगा। ये मुझे पता है, ये पागल है, हम इसके साथ बेस नहीं करते है, हम इसके साथ बेस बड़ा करे तो फिर हमारा इसका लड़ाई होएगा। ये बोल रहा है इमरान खान मुर्दाबाद, ये चोर है वो, हमारा क्या, इमरान खान तो पाकिस्तान का है, थोड़ी अफगानिस्तान का। तालिबान के या अफगानियों की बात करें सर, अफगान जो लोग हैं वो इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, इसका हमने लाइव ये देखा है, जब क्रिकेट मैचेस होते हैं इंडिया जीतता है तो अफगान खुश होता है, अफगान जीतते हैं तो इंडिया खुश होता है, और इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। फिर दोबारा से उन्होंने अफगानिस्तान को एड देने का सिलसिला शुरू किया है, अफगान तालिबान ने जी चाबहार पोर्ट के ऊपर इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी, उनके तो आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हो, कहते हैं हम भाई भाई हैं। बिल्कुल, ये 40 साल हमने रखा है तो वो हमारे साथ भाई नहीं बन सकते। हाँ, तो हमारे गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि भाई 40 साल हमने रखा है उनको, तो ये जितना अगर 40 साल के बाद अचानक आपने 2 महीने का टाइम दिया कि भाई आप चले जाओ यहाँ, ज्यादती है सर, मैं भी मानती हूँ। उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए थी, 40 साल रखा हुआ है तो 40 साल में अब इतना तो उनको नेशनलिटी मिलनी चाहिए थी यहाँ की। कसूर हमारा होता है, डाल हम इंडिया पे देते हैं, अब अफगानी जो है पाकिस्तान पे हमले करते हैं, हम कहते हैं इंडिया की साजिश है। ये तालिबान कौन है? अफगानी नहीं है, या ये जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं ये अफगानी नहीं है? सही बात है, अफगानी है बिल्कुल। तो अफगानी बस गुस्सा, तो फिर 40 साल के बाद एकदम आप कहते हैं कि भाई आप निकलो यहाँ से, तो जाहिर है उनके ठीक है 40 साल वो दूर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो खून है, खून तो अपना बोलता ही है ना, वो गुस्सा तो फिर जाहिर है पाकिस्तानियों से निकालेंगे। फिर कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, जब मिल बैठ के बात करेंगे तो मामला सुलझेगा। जंगे हल नहीं है, तालिबान से अमेरिका नहीं जीत सका तो पाकिस्तान कैसे जीतेगा? ये तो मैम सोचने की बात यही है कि हमारे पास ठीक है पावर है, न्यूक्लियर भी है, सब कुछ है, लेकिन जंग हल नहीं है। सही बात है, जंग हल नहीं है, जंग अफगानिस्तान ने 40 साल जंग किया है, यूरोप जैसे ताकतवर मुल्कों ने उनको नहीं गिराया तो, सके उन्हें, हाँ। तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात, ठीक है, आवाम के अंदर एक गुस्सा है अफगानियों का, हमारे खिलाफ है, हम अफगानियों के खिलाफ या इंडिया जिस तरह भी है, लेकिन हर बात मिल बैठ के उस पर करें तो ये मसला हल। ये बात आपको समझ आती है, हमें समझ आती है, जो पाकिस्तान के पॉलिसीज बनाते हैं उन्हें क्यों नहीं समझ आती? इतने इतने बड़े मुल्कों को कहते हैं बम मार देंगे, जंग कर देंगे, भाई कोई सीरियस बयान दो, दुनिया देखती है। कोई नहीं दे सकता ये, कोई भी जंग जंग के से एक फायर आप लोग नहीं कर, फायर करते हैं क्या, फायर किया उन्होंने कभी भी? एक इंच अभी हमने फतह नहीं किया कभी, एक इंच इंडिया से नहीं ले पाए ना, ना ना ही ले सकते हैं। इंडिया के अफगानिस्तान कश्मीर से, हाँ। नहीं ले सकते, हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है, या जिस तरह आप बैठोगे लड़ाई लड़ाई आजकल कौन सी, वो घोड़ों वाली लड़ाई है, बटन वाली लड़ाई है। दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में बताना, तब तक के मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।